हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 25 ज्योग्राफी सीरीज का और इस चैप्टर में हम बात करेंगे आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट के बारे में। ये जो पोलर टाइप का क्लाइमेट होता है और जो यहाँ की वेजिटेशन होती है, ये ज़्यादातर हमें नॉर्थ में मिलती है आर्कटिक सर्कल के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। यहाँ पे जो आइस कैप्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं ग्रीनलैंड और ऊंचे इलाकों में, और जो थोड़े नीचे के इलाके होते हैं वहाँ पर ही बर्फ पिघलती है और हमें टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये आपको मिलेगी कोस्टल इलाकों में, ग्रीनलैंड के और नॉर्दर्न कनाडा के और अलास्का के कुछ इलाकों में। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जहाँ पे आबादी ना के बराबर होती है, अंटार्कटिका के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जहाँ पर आइस कैप की एक बहुत बड़ी स्ट्रेच है। यहाँ पे जो आइस की थिकनेस है वो 10,000 फीट तक हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। यहाँ पे जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, और जो सबसे गर्म महीना है जून का, तब भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाता, और जो सर्दियों का टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और अंदर के इलाकों में तो और भी ज्यादा ठंड होती है। और आप जानते ही हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में ऐसे कई हफ्ते होते हैं जब सूरज ही नहीं निकलता और अंधेरा ही रहता है। नॉर्थ पोल में ऐसे 6 महीने होते हैं जब रोशनी नहीं होती विंटर्स में, और समर में लगातार रोशनी होती है, लेकिन तब भी टेम्परेचर जो है वो कम ही रहता है, क्योंकि सूरज जो है वो आसमान में नीचे होता है और जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत ही फेंटेड होती हैं और टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाती। जो सॉयल के अंदर पानी है वो भी जमा हुआ होता है काफी गहराई तक, और समर के अंदर भी सिर्फ ऊपर का ही जो सॉयल है वहां की बर्फ पिघलती है, जमीन जो है वो फ्रोजन ही रहती है 8 महीने तक, इसलिए प्लांट ज्यादा उग नहीं पाते। ब्लिजर्ड्स जो कि तेज सर्द हवाएं होती हैं जिनकी वेलोसिटी 130 माइल्स पर आवर तक जाती है, वो भी हमें देखने को मिलती हैं। कोस्टल इलाके जहाँ पे थोड़ा गर्म पानी जो है वो ठंडी जमीन से मिलता है, वहां फॉग देखने को मिलती है, कई जगह तो आप कुछ फीट से आगे देख ही नहीं पाते। अब बात करते हैं आगे प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन तो ज्यादातर स्नो की फॉर्म में ही होती है, बर्फ की फॉर्म में होती है। स्नोफॉल जगह के हिसाब से वेरी करती है, कई जगह ज्यादा होती है, कई जगह कम होती है। ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो सकती है या स्नोफ्लेक्स की फॉर्म में हो सकती है। पानी वाली बारिश यहाँ पर कम ही देखने को मिलती है, समर के कुछ महीनों में हमें ये बारिश मिल जाती है। इस फिगर के अंदर आप अपर नेविक ग्रीनलैंड का टेम्परेचर का पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ समर में हमें 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिलता है और विंटर में -22 डिग्री सेल्सियस का, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो काफी ज्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर कम ही होती है जैसा आप देख सकते हैं। अब यहाँ की वेजिटेशन की बात करते हैं, जिसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। क्रॉप्स यहाँ पे कम ही सरवाइव कर पाती हैं, क्योंकि बहुत ही हार्श कंडीशंस होती हैं, बुरी कंडीशंस होती हैं प्लांट्स के लिए। यहाँ पर ज्यादातर हमें मॉसेस, लाइकेंस और सेजेस ही देखने को मिलते हैं, और जैसा हमने बात की, क्योंकि सॉयल भी फ्रोजन ही रहता है तो वो भी प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करता। कोस्टल इलाकों में थोड़ा सा क्लाइमेट ठीक होता है, इसलिए वहां पे कुछ वेजिटेशन मिल जाती है। यहाँ पर कुछ ग्रासेस और रेंडियर मॉस उगती है जो कि रेंडियर के लिए चारे का काम करती है। गर्मियों में कुछ बेरी वाली बुशेस और कुछ आर्कटिक फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। समर में कुछ बर्ड्स भी माइग्रेट करके यहाँ आ जाती हैं, और जानवरों में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं वुल्व्स, फॉक्सेस, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर और लेमिंग्स। अब बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज की। ह्यूमंस यहाँ पर सिर्फ कोस्टल इलाकों में ही देखने को मिलते हैं। जो अंदरूनी इलाकों में कुछ ह्यूमंस रहते भी हैं, उनको अपने लाइफस्टाइल को ऐसे हार्श एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट करना पड़ा, जैसे कि एस्किमोस। ये लोग हंटर्स, फिशर्स और फूड गैदरर्स की तरह अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन बाद में ये परमानेंट हर्ड्स में सेटल होते गए। पोलर एस्किमोस नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड में देखने को मिलते हैं, और ये सीजन के हिसाब से अपनी लाइफ को बदलते रहते हैं। सर्दियों के अंदर ये कॉम्पैक्ट इग्लूज में रहते हैं, और समर के अंदर ये बाहर आते हैं हंटिंग के लिए, जब ये पोर्टेबल टेंट्स में रहते हैं स्ट्रीम्स के साइड में। इनका खाना फिश, सील, वॉलरस और पोलर बियर से ही मिलता है। जो दूसरे एस्किमोज हैं वो हंट करते हैं कैरिबो को, जो कि रेंडियर ही होते हैं, और ये कुछ और एनिमल्स को भी हंट करते हैं, जिससे इन्हें मीट, मिल्क, फैट, स्किन और बोन्स मिल जाती हैं। हालांकि अब पिछले कुछ टाइम में इनका लाइफस्टाइल काफी बदल गया है। कोस्टल जो विलेजेस हैं वहां तो परमानेंट वुडन हाउसेज हमें देखने को मिलते हैं, और कई मॉडर्न फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे स्पीड बोट्स वगैरह। ये एनिमल्स की रेयरिंग भी अब करते हैं, और फिशिंग भी कमर्शियलाइज हो गई है, तो इनका लाइफस्टाइल भी अब मॉडर्न होता जा रहा है। यूरेशियन टुंड्रा के अंदर कुछ और नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं, जैसे कि लैप्स हैं नॉर्दर्न फिनलैंड में और स्कैंडिनेविया में, सेमोयड्स हैं साइबेरिया में, याकूट्स हैं लेना बेसिन में,
और कोरियाक्स एंड चुकची हैं नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में। ये रेंडियर्स को पालते हैं और कुछ अब सेटल लाइफ की ओर मुड़ गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आर्कटिक, जिसे कि एक बंजर इलाका माना जाता था, वो अब इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई सारे मिनरल्स मिले हैं, जैसे कि गोल्ड की माइनिंग होती है अलास्का में, निकल की पेट्सामो में, पेट्रोलियम मिला है केनाई पेनिनसुला अलास्का में, और कॉपर है रैनकिन इनलेट कनाडा में। कोल की माइनिंग भी यहाँ पर की जाती है काफी टाइम से, जैसे कि स्पिट्सबर्गन और अलास्का। आयरन ओर की माइनिंग की जाती है लैब्राडोर में। कई सारी नई रेलवे लाइन भी बिछाई गई हैं ताकि इसको आगे शिप किया जा सके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर। आयरन ओर के डिपॉजिट्स किरुना और गैलीवेयर में भी माइन किए जाते हैं स्वीडन के अंदर, और फिर इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आर्कटिक सीबोर्ड में पोर्ट्स बनाने के बाद यहाँ से टिम्बर और फर को शिप किया जाता है दूसरे इलाकों में। कई जगह मॉडर्न आइस ब्रेकर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि रास्ता खुला रहे और बर्फ रास्ता ना रोके। कई जगह अलग तरह के सीरियल्स भी उगाने के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो कि हार्श कंडीशंस में भी उग जाएं और यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा सके। और यहाँ पे कई और तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं ताकि यहाँ की जियोलॉजी को, वेदर कंडीशंस को, प्लांट्स और एनिमल लाइफ को और अच्छे से समझा जा सके, ताकि इन इलाकों में भविष्य में इंसानों को बसाया जा सके। इस चैप्टर में इतना ही, और इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप और किन सब्जेक्ट्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।